brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. मालदीव और भारत के बीच जारी तनाव का असर अब वहां के टूरिज्म सेक्टर पर साफ नजर आने लगा है। इस गिरावट से परेशान मालदीव के पर्यटन मंत्री इब्राहिम फैजल ने अपने इकोनॉमी टूरिज्म को निर्भरता बताते हुए भारतीयों से उनके देश में आने की अपील की है। मालदीव की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के मुताबिक जनवरी से अप्रैल तक मालदीव पहुंचने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में 40% की गिरावट आई है। जनवरी से अप्रैल तक भारत से 43,991 टूरिस्ट आए, जबकि 2023 में इस दरमियान ये संख्या 73,785 थी। दरअसल 2023 में मालदीव में सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत से ही आए थे, लेकिन इस साल की शुरुआत में दोनों देशों के बीच तनाव पैदा होने से अब ये संख्या घटकर छठवें स्थान पर पहुंच गई है। भारतीय टूरिस्ट को लुभाने के लिए मालदीव ने भारत के कई शहरों में रोड शो करने की बात भी कही थी। हालांकि रोड शो किन शहरों में और कब कराए जाएंगे इसकी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर्स यानी MATATO ने भारत के हाई कमिश्नर से दोनों देशों के बीच यात्रा और पर्यटन सहयोग बढ़ाने पर चर्चा भी की थी। जनवरी 2024 के बाद से मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में काफी कमी आई। इसकी वजह वहां के नेताओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी है। 7 जनवरी को भारत में हैशटैग बायकॉट मालदीव ट्रेंड हुआ था। इसकी वजह थी कि पीएम मोदी ने लक्षद्वीप दौरे का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें खूबसूरती के लिहाज से लक्षद्वीप मालदीव को टक्कर देता नजर आ रहा था। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि लाखों रुपए खर्च कर मालदीव जाने से बेहतर है कि लक्षद्वीप जाएं। इससे मालदीव के मंत्री और नेता नाराज नजर आए और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। साथ ही कहा कि भारत सर्विस के मामले में मालदीव का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके बाद मालदीव में मौजूद भारतीय सेना को 10 मई से पहले देश छोड़ने के लिए कह दिया गया था। 11 मार्च को 25 भारतीय सैनिकों के पहले समूह ने मालदीव छोड़ दिया था। फिर 9 अप्रैल को भारतीय सैनिकों का दूसरा समूह भी मालदीव छोड़ चुका था। खैर, फरवरी में नई दिल्ली में हुए मालदीव और भारत के बीच समझौते में ये तय हुआ था कि सैन्य विमानों के संचालन की देखरेख के लिए मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों की जगह भारत की टेक्निकल स्टाफ टीम लेगी। इसके बाद 29 मई को 26 टेक्निकल स्टाफ का पहला बैच मालदीव पहुंच गया था। खैर, जिस तरह से मालदीव की टूरिज्म सेक्टर को झटका लगा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।